नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमेशा से ही एक क्वेश्चन रहता है कि SBI इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कैसे करें। एक्चुअली में ये क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि जब आप अकाउंट ओपन करते हो ऑनलाइन, तो वहां पर नीचे की तरफ साफ साफ लिखा हुआ है कि नो ब्रांच बेस्ड सर्विसेज। इसी को देख के लोगों के मन में ये आता है कि यार, हमने तो अकाउंट ओपन कर लिया है और हमारे पास ना तो इस अकाउंट की पासबुक है और ना ही चेकबुक है, तो हम पैसा डिपॉजिट कैसे करें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पर तीन तरीके से पैसा डिपॉजिट कर सकते हो इस अकाउंट में। तो पैसा डिपॉजिट करने का पहला तरीका तो यह है कि अगर आपकी कोई शॉप है और जो कैश है वो डेली आपके दुकान में आता है और आप इसको इस अकाउंट में जमा करने वाले हो, तो आप एक काम कर सकते हो कि SBI की जो कैश डिपॉजिट मशीन होती है उसके थ्रू आप पैसा इस अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर जो डिपॉजिट स्लिप होती है ना, आप यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से आप ये डिपॉजिट स्लिप फिलअप करके और आप SBI के किसी भी ब्रांच में जाके और अपना पैसा जमा कर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ तीसरा तरीका। अगर आपने कोई अदर बैंक अकाउंट यूज में लेते हो और उसका जो नेट बैंकिंग है आपके मोबाइल में आप यूज करते हो, तो आप उस अकाउंट के थ्रू आप इस अकाउंट में पैसा ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र कर सकते हो। बहुत ही अच्छा है, इसको आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये तो रही कैश डिपॉजिट की बात। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस अकाउंट के थ्रू किस प्रकार से कैश निकाल सकते हो, किन किन तरीकों से। पहला तरीका तो ये है कि इस अकाउंट में आपको ATM कार्ड मिलता है, तो आप ATM मशीन में जाके और अपना कैश निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। और दूसरा तरीका ये है कि आपने सुना होगा जब आपने अकाउंट ओपन करते हो तो आपको इस अकाउंट में ना तो पासबुक मिलती है और ना ही चेकबुक मिलती है। लेकिन एक और नियम है, अगर आप अपनी होम ब्रांच जाके और रिक्वेस्ट करोगे, आपको वहाँ पर सिग्नेचर ऐड करना पड़ेगा और जैसे ही आपके अकाउंट में सिग्नेचर ऐड हो जाता है तो आप अपनी चेकबुक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और साथ में पासबुक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इस अकाउंट में आपको चेकबुक और पासबुक दोनों मिल जाते हैं। अगर आपको आपके सिग्नेचर ऐड हो चुके हैं और आपको पासबुक भी मिल चुकी है, तो आप चेक से भी पेमेंट कैश निकलवा सकते हो। और फिर तीसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका सिग्नेचर ऐड हो गया और आपको पासबुक मिल चुकी है इस प्रकार से, तो आप अपनी होम ब्रांच में जाओगे तो इस प्रकार से आपको एक आहरण फॉर्म मिल जाएगा, जिसके ट्रैवल फॉर्म भी इसको बोलते हैं। तो इसको फिलअप करके, इस पर सिग्नेचर करके और आप अपनी पासबुक में इस प्रकार से लगा के और अपनी होम ब्रांच जाके पैसा निकाल सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से देखा कि आप इस अकाउंट में किन किन तरीक़ों से पैसा भी निकाल सकते हो और पैसा भी आप जमा कर सकते हो। और अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछ लेना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो।